नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जी हाँ, हमने जैसा कल आपको दिखाया था अपने चैनल में कि जो भी उग्रवादी थे, जिन्होंने ढेला फेंका था, पत्थर फेंका था, उन सब का पोस्टर, जी हाँ, अब हमने बताया था कि अब जो योगी मॉडल के झारखंड जो है अब योगी मॉडल अपनाने वाली है, यूपी में भी जो उग्रवादी होते हैं उनके सारे पोस्टर्स उनके चेहरे के साथ, नाम के साथ, उम्र के साथ हर गली चौक चौराहे पर लगाई जाती है। इसी के तर्ज पर झारखंड में राज्यपाल ने सलाह दी थी प्रशासन को कि आप भी हर गली चौक चौराहे पर पोस्टर लगवाइए, उसमें हर उग्रवादी का फोटो लगाइए। लेकिन राज्यपाल के सलाह पर प्रशासन ने शाम में करीबन 5:30 बजे राज्यपाल भवन के 500 मीटर आगे ही पोस्टर लगवा दिया। लेकिन जैसे पोस्टर लगा, मानो कि सत्ता के गलियारे में भूचाल आ गई। जेएमएम ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रीम भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे समाज में डिप्रेशन का माहौल होगा, समाज में ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, कई नाबालिग भी है उसमें, तो ये गलत है। आपको बता दें, जब सीए की बातें हुई थी तो इलाहाबाद कोर्ट ने भी योगी सरकार पर नाराजगी जताई थी, कहा था कि इस तरह का जो पोस्टर है ये लगना नहीं चाहिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है, इन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 18 साल से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनका जो है चेहरा जो है वो ब्लर कर दे, वो लगाए ना। इसीलिए राजनीतिक पहलू से देखें तो जेएमएम और कांग्रेस खासा नाराज दिख रही है कि ऐसे पोस्टर नहीं लगना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि काम असल में हमें सीएम को ही करना है, एग्जीक्यूटिव हम हैं। लेकिन राज्यपाल अगर इस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे तो सीएम और हम प्रशासन को काम करने में दिक्कत होगा। अब बात यहाँ पे आ रहा है कि राज्यपाल के बाद काफी अपमान हुआ है, लेकिन राज्यपाल, आपको बता दें, राज्यपाल ने सिर्फ सलाह दी थी, निर्देश नहीं दिया था। ये सुप्रीम भट्टाचार्य से जीएन भारत ने बात की तब उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने तो सिर्फ सलाह दिया था, निर्देश नहीं दिया था, इसलिए पोस्टर को हटा दिया गया है। तो वहीं बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि साफ तौर पर सीएम हेमंत सोरेन सरकार जो है वो दबंगई को बचा रही है, बचाने की वजह से पोस्टर हटवा दिया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो भाई वायरल है, वहां तो चेहरे पहचान लिए जाएंगे, वहां से आप कैसे हटवाएंगे। इसी का बचाव प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक पहलू है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उग्रवादियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा। इन दंगाइयों को, मवालियों को, मंदिर पर पत्थर फेंकने वाले, तोड़फोड़ करने वालों को बचाने का काम कर रही है। वैसे स्थिति में महामहिम राज्यपाल कहें या कोई भी कहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। राज्य सरकार में जेएमएम और कांग्रेस और राजद है, ये तीनों के तीनों तुष्टिकरण करने में मस्त रहते हैं। इन्हें वोट चाहिए, वोट के लिए ये राज को भी बर्बाद होते देख सकते हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। वैसी स्थिति में पोस्टर का लगना या न लगना कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस चाहे तो सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि सारे अपराधियों के फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। वैसी स्थिति में फोटो हटा भी देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन एक संदेश तो जरूर जाता है, ये राज्य सरकार इन मवालियों, इन दंगाइयों को संरक्षण दे रही है, और ये आज से नहीं, पहले से देती आ रही है। और मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। कोरोना काल में भी हिंदपीढ़ी में डीएसपी वगैरह पिटा जाते हैं और उन दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ भी एसएसपी से लेकर सीटीएसपी अन्य अधिकारी पिटा जाते हैं, लेकिन ये दंगाइयों को बचाना इस राज्य सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि उंन्हें उसका वोट चाहिए और मांडर उपचुनाव है। देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ों में कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। यह राज्य जो है, राज्य सरकार चलाती है और राज्य सरकार के विषय पर अगर कहीं कुछ एसआईटी गठन हो गया है, तमाम चीज़ें हैं, जांच चल रही है, अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं कोई टेक्निकलिटी में कोई भी निर्णय लिए जाने में कहीं दिक्कत होगी, तो उस नाते उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि हम बाद में इसको ये करेंगे। इसके साथ ही आपने सुना कि सीपी सिंह ने तो हमला बोलते हुए कह ही दिया, लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल की बातों की अनदेखी की गई है और प्रशासन भी
अब ऑब्वियसली बात है, एक तरफ राज्यपाल बोलेंगे, एक तरफ सीएम है, दोनों का बात अपने आप पे बहुत वेटेज रखा जाता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर पोस्टर फिर से लगते हैं, यानी यूपी का बुलडोजर या फिर यूपी का योगी मॉडल झारखंड में चलता है कि नहीं। वैसे तो चलाने के मूड में सीएम हेमंत सोरेन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आगे का जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको जीएन भारत में देते रहेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।